हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से वापस लिया प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित हो जाएंगे 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक। नियोजन के संबंध में विधि विभाग से मार्गदर्शन मांगने का प्रस्ताव वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विधि विभाग को पत्र लिखा गया है। नियोजन प्रक्रिया में अब किसी तरह का बाधा नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक। विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य सरकार 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को पूरा कर लेगी। इसी क्रम में बुधवार को शिक्षा विभाग ने नियोजन को लेकर विधि विभाग को भेजी गई फाइल भी वापस ले लिया। छठे चरण के इस नियोजन की प्रक्रिया का नया शेड्यूल 15 जून के बाद किसी समय जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 18 माह के डीएलएड वाले को आवेदन के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा। ऐसे में स्पष्ट है कि आवेदन की प्रक्रिया जुलाई तक चलेगी। हड़ताल के 29 दिनों के समायोजन पर ही मिलेगी सैलरी। ये नियोजित शिक्षक के लिए है। हड़ताल पर रह रहे शिक्षकों को हड़ताल के 29 दिनों का समायोजन अगली छुट्टियों में करना पड़ेगा। इसके बाद ही उन्हें 25 फरवरी से 24 मार्च तक का एक मुफ्त वेतन मिल पाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस आशय का आदेश बुधवार को जारी किया। जुलाई 2019 में CTET पास DLED वाले को ही मौका। इस नियोजन प्रक्रिया में 18 महीने का DLED करने वाले सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थी को मौका मिलेगा जिन्होंने जुलाई 2019 में CTET पास किया है। शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2019 में CTET पास करने वाले DLED अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं देने का निर्णय लिया है, क्योंकि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2019 थी। दिसंबर 2019 में CTET पास करने वाले DLED धारकों के लिए अब यह नई नियुक्ति में ही मौका दिया जाएगा।